नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमित गोयल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति के बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें। जी हाँ, एक प्रश्न आपको बोर्ड पर लिखा मिलेगा जिसमें लिखा है कि 50 लाख मिलियन को अंकों में लिखो। राइट डाउन 50 लाख मिलियन इन डिजिट्स। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं उनमें से आधे ही सही होंगे और अधिकतर लोग तो लिख ही नहीं पाएंगे कि इसे लिखा कैसे जाता है। साथियों, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और ऐसी राज वाली बातें बताऊंगा जो आज तक आपको स्कूल में, कॉलेज में, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं बताई गई होगी, मेरा दावा है आपसे। क्या वीडियो स्टार्ट हो चुका है? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आपको जो भी आंसर बताना है आप आंसर बता दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देने के बाद में। जी हाँ, बात करते हैं कंसेप्ट की। सबसे पहले संख्या पद्धति की। जी हाँ, सबसे छोटी यूनिट जो हिंदी में होती है वो क्या होती है, जरा हम देखें साहब। सॉरी, सबसे छोटी यूनिट जो हिंदी हिंदी में होती है, साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी मीडियम हो या आप इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स आता है। रेलवे, एसएससी ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, बैंक डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में ऐसे प्रश्न पूछता है, आप जीरो लगाना नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखिए, हिंदी में साथियों सबसे छोटी यूनिट होती है हजार। हजार में होते हैं 3 जीरो। आपने भी पुराना 1000 का नोट देखा होगा, उसमें जरूर से आपने 3 जीरो देखे होंगे, अब बंद हो चुका है। हजार के बाद साथियों नया जो आता है ना, नया शब्द, वो लाख आता है। नया शब्द लाख आता है 10 की घात 5। जी हाँ, 10 की घात 5। अच्छा, 10 की घात 5 को भूल जाइए। मान लीजिए मैंने नहीं लिखा 10 की घात 5। अब मैं नया शब्द की बात करूं तो नया शब्द आता है साथियों करोड़। करोड़ के बाद नया शब्द आता है अरब। अरब के बाद नया शब्द आता है खरब। और खरब के बाद कोई नया शब्द नहीं आता है। ये नील, शंख, पुष्प, पद्म, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कहीं काम नहीं आती, प्रैक्टिकली जीरो जीरो। जो पढ़ा रहा है वो सब गलत पढ़ा रहा है। अब आप कहेंगे सब ये नए शब्द की क्या कहानी है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये सब नए शब्द हैं। नए शब्द कैसे हैं, देखिए आम तौर पर आप जिसे गिनते हैं, मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, आप इसे गिनते हैं इकाई। मैं पहले हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों की भी बात करूँगा। और ध्यान रखें दोनों मीडियम आपको आने जरूरी हैं, क्योंकि जो मैंने प्रश्न दिया ना इसमें लाख लाख, ध्यान रखें हिंदी शब्द है और मिलियन इंग्लिश शब्द है। लाख इज हिंदी वर्ड एंड मिलियन इज इंग्लिश वर्ड। जब तक आपको दोनों यूनिट पूरी समझ में नहीं आएगी मज़ा नहीं आएगा, प्रश्न हल नहीं कर सकते हो। तो देखिए, इसे गिनते हैं इकाई, इसे गिनते हैं दहाई, इसे गिनते हैं सैकड़ा, इसे गिनते हैं हजार। अब आप बोलेंगे साहब इसे 10,000 गिनते हैं, बिल्कुल सही है भैया, 10 भी पहले दहाई के फॉर्म में आ चुका है और हजार भी पहले आ चुका है, तो नया शब्द थोड़ी हुआ। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10 भी पहले आ चुका है दहाई के फॉर्म में और हजार भी पहले आ चुका है हजार के फॉर्म में, तो नया शब्द यहाँ से जनरेट होगा जो कि होगा लाख। और ये भी नया नहीं होगा, 10 लाख क्यों नया नहीं होगा, क्योंकि 10 भी आ चुका है और लाख भी आ चुका है। इसलिए साथियों नए शब्द की बात चल रही है। ऑल क्लियर? आपको केवल हजार याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस हजार याद रखिए। देखिए, हजार में कितने जीरो होते हैं, हजार में होते हैं 3 जीरो। लाख में, लाख में साथियों 2 जीरो बढ़ा दीजिए 5 हो जाएंगे, करोड़ में फिर 2 बढ़ा दीजिए 7 हो जाएंगे, अरब में फिर 2 बढ़ा दीजिए 9 हो जाएंगे, खरब में फिर 2 बढ़ा दीजिए 11 जीरो हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर हिंदी हिंदी पद्धति, हिंदी यूनिट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखेंगे अभी। तो देखिए, हिंदी में सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, हजार। हजार में कितने जीरो, 3। हजार के बाद क्या आएगा, लाख। लाख के बाद क्या आएगा, करोड़। साथियों सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है, और मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों तक तो आप रोज ही बातें करते रहते हैं, अरब में हमारी पॉपुलेशन है इसलिए परेशानी नहीं, बस बचा क्या, खरब। ये हमें याद रखना है, हजार, लाख, करोड़, अरब और खरब। हजार में कितने जीरो, 3 जीरो, 2 2 जीरो बढ़ाते जो। लाख में कितने हुए, करोड़ में कितने हुए, अरब में कितने हुए और खरब में कितने हुए, +1 11। जी हाँ, बिल्कुल आसान था, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। चलिए, अब मैं आपकी बात करता हूँ क्वेश्चंस की, तो मैं इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ।
अगले पेज पे ले जाने के लिए। अब ये सब तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना साथियों। और अब मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख दूं कि भैया 10 करोड़, बहुत ध्यान से समझना, 10 करोड़ एक संख्या मुझे दी गई है, 10 करोड़। अब इसमें जो मेरे से पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया कितने अंक होते हैं, या मैं कहूं कितने शून्य होते हैं, हाउ मैनी जीरोज, ये रेलवे ने पूछा हुआ प्रश्न है, हाउ मैनी जीरोज। अब मैं जानता हूं करोड़ में होते हैं 7 जीरो, और 1 जीरो 10 का आएगा, तो मेरा आंसर होगा 8 जीरो। जी हाँ, 10 करोड़ लिखने के लिए मुझे 8 जीरो की जरूरत पड़ेगी। देखिए, 1000 के और 1,00,000 के बीच में क्या आता है, 1000 और 1,00,000 के बीच में आता है साथियों 10,000। 10,000 के बाद 1,00,000, 1,00,000 के बाद 10,00,000, 10,00,000 के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब के बाद क्या आता है, 100 खरब, ध्यान से समझना, 100 खरब के बाद क्या आएगा, 1,000 खरब, 1,000 खरब के बाद 10,000 खरब, 1,00,000 खरब, 10,00,000 खरब, 1 करोड़ खरब, 10 करोड़ खरब, 1 अरब खरब, 10 अरब खरब, 1 खरब खरब, 10 खरब खरब, 100 खरब खरब। फिर समझिए, सबसे छोटी यूनिट 1,000, 1,000 में 1 जीरो जोड़ दो, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ये सब जीरो को इंडिकेट कर रहे हैं, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 100 खरब, 1,000 खरब, यस, 1,000 खरब, 10,000 खरब, 1,00,000 खरब, 10,00,000 खरब, 1 करोड़ खरब, 10 करोड़ खरब, 1 अरब खरब, 10 अरब खरब, 1 खरब खरब, 10 खरब खरब, 100 खरब खरब, 1,000 खरब खरब, बस यही चलती जाएगी फाइनली। आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी की संपत्ति जब भी आती है, कैसे आती है भैया, इतने 1,00,000 करोड़, कभी सुना आपने, नील पद्म पुष्प नहीं, बस इन्हीं में चलती रहती है, इन्हीं से हमें हमारा काम चलाना होता है, यही संख्या पद्धति है। दूसरी बात जो आपसे पूछी जा सकती है साथियों, वो पूछी जा सकती है कितने अंक, जी हाँ कितने अंक, हाउ मैनी डिजिट्स, कि 10 करोड़ लिखने के लिए मुझे अंक 9 चाहिएंगे, कितने अंक चाहिएंगे साथियों, 9 अंक चाहिए, कैसे चाहिए बताइए। 1,000 लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 1,000 लिखने के लिए 4 अंक चाहिए, 1, 2, 3 और ये 4, तभी तो 1,000 बनेगा। ऐसी 10 करोड़ लिखने के लिए 0 तो मुझे 8 चाहिए, पर अंक मुझे टोटल 9 चाहिए, क्योंकि मुझे एक भी लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तीसरा, कितने या कितनी संख्याएं होती हैं, हाउ मैनी नंबर्स, तो साथियों इस प्रश्न का आंसर अधिकतर लोग गलत देते हैं, सही आंसर होगा एक ही संख्या होती है। मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके पास जो मोबाइल है, जो मोबाइल फ़ोन नंबर है, जी हाँ मोबाइल फ़ोन नंबर, आप उसे मोबाइल फ़ोन नंबर बोलते हैं या मोबाइल फ़ोन डिजिट बोलते हैं, हिंदी में दूरभाष संख्या बोलते हैं या दूरभाष अंक बोलते हैं, जी हाँ हम सब जानते हैं दूरभाष संख्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर बोलते हैं, जी हाँ। सपोज आपका नंबर है 9269545454, जो कि हमारे यहाँ का नंबर है। अब मैं आपसे पूछूँ कि भैया मोबाइल नंबर कितने हुए, तो आप कहेंगे साहब मोबाइल नंबर तो एक ही हुआ, इसमें आने वाले डिजिट 10 हुए, जी हाँ डिजिट 10 हुए। फिर समझिए, 10 करोड़ को लिखने के लिए जब मैं 10 करोड़ लिख रहा हूँ, तो मैं संख्या तो एक ही लिख रहा हूँ ना, संख्या तो एक ही हुई 10 करोड़। अब उस 10 करोड़ में अंक कितने हुए, 9 अंक हुए, जिसमें से 8 तो हुए 0 और 1 हुआ 1, तो 9 अंकों से मिलकर एक संख्या बनेगी, एक ही संख्या, जो कि होगी क्या, 10 करोड़, जिसमें 0 होगा 8 बार। ऐसे प्रश्न आपको उलझाते रहते हैं, आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बेसिक सिस्टम है, 1,000 याद रखिए, 2-2 जीरो बढ़ाते जाइए, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 खरब, लाखों करोड़ों की बातें तो आप रोज ही करते हो, सब मुझे पता है, अरब में हमारी पॉपुलेशन है, बचा क्या खरब, बस सिंपल है बिल्कुल, इसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। साथियों एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं जहां रहता हूं उस शहर का नाम है अजमेर, अजमेर का एसटीडी पिन कोड जो है ना, एसटीडी कोड वो है 0145। अब बताइए एसटीडी कोड तो एक ही है, एसटीडी कोड तो एक ही है, अंक इसमें 4 है, जिसमें 0 एक बार आ रहा है। ऐसे ही दिल्ली का एसटीडी कोड क्या है, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। अब देखिए एसटीडी कोड तो एक ही है, 3 अंकों से मिलकर बना है, उसमें 0 एक बार आ रहा है।
ऐसे ही अजमेर का जो पिन कोड है, पिन कोड मतलब पोस्टल ऑर्डर कोड, वो है 305001। तो देखिए कोड तो एक ही है, अंक 6 इस्तेमाल किए गए हैं, क्लियर है, उसमें भी 03 बार है। तो ऐसे हम पता करते हैं कितने जीरो और कैसे क्या होता है। क्लियर है साथियों, बहुत बढ़िया। फिर आपको आगे ले चलता हूँ, अब हम बात करेंगे इंग्लिश यूनिट की, फिर हम नंबर पढ़ना भी सीखेंगे। हिंदी यूनिट तो हमने पढ़ ही लिए, नहीं शब्द, चलिए इंग्लिश यूनिट भी साथियों 1000 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1000 से। हम जानते हैं 1000 में होते हैं 3 जीरो। 1000 के बाद नया शब्द क्या आता है? लैख। नहीं, हमारे देश की एक परेशानी क्या है, हमारे देश में हिंदी तो बोली जाती है और अंग्रेजी झाड़ी जाती है। अरे मेरी माओ, मेरी बहनों, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाली बालिकाओं, लाख हिंदी शब्द है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको ना जाने क्या क्या गलत पढ़ा दिया है, देख लीजिए डिक्शनरी उठा करके। अब आप इस लाख को यूं लाख बोलो या इसकी स्पेलिंग चेंज करके जवान को थोड़ा सा टेढ़ा करके लैख बोल दोगे ना, तो ये अंग्रेजी शब्द नहीं हो जाएगा, ये हिंदी शब्द ही रहेगा। लैख होता ही नहीं है, लाख होता है, जिसकी स्पेलिंग होती है LAKH। अंग्रेजी की डिक्शनरी में आपको लाख नहीं मिलेगा, अंग्रेज जानते ही नहीं हैं लाख क्या होता है, बिल्कुल नहीं जानते अंग्रेज। आप कभी भी देख लीजिए, ये यूट्यूब पर ही देख लीजिए, व्यूज़ किस में आते हैं? मिलियंस में आते हैं, थाउजेंड्स में आते हैं। थाउजेंड के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, नेक्स्ट न्यू वर्ड, वो होता है मिलियन। क्या होता है? मिलियन। मिलियन के बाद साथियों आता है बिलियन, बिलियन के बाद साथियों आता है ट्रिलियन, और ट्रिलियन के आगे जैसे मैंने आपको बताया नील, शंख, पुष्प, पदम, ये सब बेकार हैं, ऐसे अंग्रेजी इकाई में भी ये सब बेकार है। हिंदी यूनिट में देखिए, हिंदी यूनिट में क्या है, दो दो जीरो बढ़ते हैं और इंग्लिश यूनिट में तीन तीन जीरो बढ़ते हैं, 10 की घात 6, 10 की घात 9 और 10 की घात 12। अब सवाल क्या कि सर हिंदी तो हमें याद रह जाएगी, हजार, लाख, करोड़, अरब, क्योंकि हम रोज़ इतनी बातें करते हैं, खेलते हैं लाखों करोड़ों में, तो अब इंग्लिश कैसे याद रहे? तो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। महाबलेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस मंदिर है, इस वक्त कोरोना संक्रमण काल की वजह से बंद पड़ा है महाबलेश्वर टेम्पल। तो देखिए MBT, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। थाउजेंड तो याद रहेगा ही रहेगा, मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो और ट्रिलियन में 12 जीरो, बस तीन 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 जीरो बढ़ते जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजी माध्यम में गलत पढ़ाया जाता है लैख, लैख नहीं होता भैया, लाख होता है, वो भी हिंदी में ही होता है, अंग्रेजी में तो लाख होता ही नहीं है। हिंदी में लाख का मतलब है 5 जीरो, अंग्रेजी में लाख का मतलब है 100,000, समझिएगा कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हजार और लाख के बीच में 10,000 आता है, ऐसे ही 1000 और मिलियन के बीच में 10,000 और फिर 100,000। कैसे 100,000? सपोज कीजिए मेरे पास एक नोट की गड्डी है, 1000 की नोटों की गड्डी जो कि बंद हो चुके हैं। अब मैं कैसे गिनूंगा? पहला नोट 1000, दूसरा नोट 2000, तीसरा नोट 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 90,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000, 100,000। जी हाँ, 100,000। 100,000 का मतलब ही 1,00,000 होता है, 100,000 का मतलब 1,00,000, 100,00,000 का मतलब 1 करोड़, 100 करोड़ का मतलब 1 अरब, 100 अरब का मतलब 1 खरब, और 100 खरब का मतलब कुछ नहीं होता है क्योंकि संख्या पद्धतियाँ खत्म हो गई, 100 खरब पे आके ख़त्म, फिर 1000 खरब वापस शुरू हो जाएगा। ऐसे ही साथियों 1000, 10,000, 100,000, सपोज वही नोटों की गड्डी है, क्यों अंग्रेज गिन रहा है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000, 95000, 96000, 97000, 98000, 99000, 100,000, yes, 100,000, ऐसे वो बोलेगा। साथियों 100,000 अंग्रेजों को नहीं पता है, लाख क्या होता है ये तो हम हिंदुस्तानियों को पता है। तो देखिएगा 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, मैं इसे 1000,000 भी बोल सकता हूँ, पर 1000,000 बोलने में अटपटा लगेगा, रोज बोलने वाले शब्द है, इसलिए 1000,000 को कहा जाता है मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन, 100,000 ट्रिलियन, 1 मिलियन ट्रिलियन, 10 मिलियन ट्रिलियन, 100 मिलियन ट्रिलियन, 1 बिलियन ट्रिलियन, 10 बिलियन ट्रिलियन, इसी के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा।
साथियों यहाँ पर ये इंग्लिश यूनिट सिस्टम ख़त्म होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो खास बात क्या है, कॉमन जो बात है, दोनों ही हज़ार से शुरू होते हैं, हज़ार में होते हैं 3 जीरो। हिंदी में पढ़ते हैं 2-2 जीरो। आप में से जो भी लोग इसे कॉपी करना चाहें प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इन्हें पढ़ना बताऊँगा और बताऊँगा कि स्कूल में आपको क्या क्या गलत पढ़ाया गया इंग्लिश स्कूल से। चलिए साथियों, दोनों हज़ार से शुरू होते हैं 3 जीरो। हिंदी में लाख, करोड़, अरब, खरब 2-2 जीरो बढ़ाते जाओ। इंग्लिश में महाबलेश्वर टेम्पल, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन 3-3 जीरो बढ़ाते जाओ और दैट्स इट। ये आपको सारे के सारे संख्या पद्धति याद हो गई। नंबर सिस्टम अलग चैप्टर है, ये केवल संख्या पद्धति की, हम यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं केवल गिनती वाली संख्याओं की। अब साफ समझिए कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक नंबर में लिख रहा हूँ, आप इसे पढ़ के बताएं, और पढ़ के तो क्या बताएं, 2 3 5 4 7 8 1 2 3 4, थोड़ा यहाँ भी लिख देता हूँ, 9 नहीं आया 9 ले लेते हैं, 0 नहीं आया 0 भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, काफ़ी है। साथियों दो प्रश्न मेरे आपसे, पहला प्रश्न, ये जो मैंने लिखा है ना, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल शब्दों में लिखना है। दूसरा, आपको ये बताना है कि ये मैंने हिंदी में लिखा है या मैंने इंग्लिश में लिखा है। साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आंसर दें, और आंसर ये मत देना कि मैथ्स में लिखा है, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, अभी आपको समझ में आएगा। चलो गिनना शुरू करते हैं हिंदी वाले, और बताऊंगा छोटे बच्चे से आप गिनोगे। देखो आप कैसे गिन रहे हो, आप इसको गिन रहे हो इकाई, दहाई, हजार, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 अरब। ऐसे नहीं गिनते भैया, फिर आपने सिस्टम समझा ही क्यों, फिर आपने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझते, बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ते। चलो इंग्लिश मीडियम वाले ट्राई कर लेते हैं, उनकी मैं दुविधा दूर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये कि आपको क्या स्कूल में इंग्लिश यूनिट सिस्टम गलत पढ़ाया है, यूनिट सिस्टम क्या आपको गलत पढ़ाया है? बिल्कुल, देखिए आप कैसे गिनते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो इसको गिनते हैं वंस, इसको गिनते हैं टेंस, इसको गिनते हैं हंड्रेड्स, बिल्कुल सही है यहाँ तक, इसको गिनते हैं थाउजेंड्स, इसको गिनते हैं 10,000s, और इसको गिनते हैं लाख्स। अरे मेरे बाप, जब लाख है ही हिंदी शब्द, इंग्लिश की डिक्शनरी में लाख होते नहीं, तो यहाँ कैसे गिन रहे हो? यहाँ भी आपको लाख पढ़ा दिया, बना दिया ना आपको बुद्धू इंग्लिश मीडियम स्कूल में, गलत पढ़ाया उस मैथ्स के मास्टर ने, जाके उसको शिकायत करना कि मेरी परीक्षा में तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन चलता है इंग्लिश में। हाँ स्कूल कुछ और पढ़ाती है, कॉम्पिटिशन किसी और लेवल पर चलता है, ये फ़र्क होता है स्कूल और कॉलेज और कॉम्पिटिशन के अंदर। चलिए तो बिल्कुल गलत पढ़ाया, इस बात को मैं आपको साबित कर चुका हूँ, स्कूल में लाख करोड़ पढ़ाया जाता है, जो कि हिंदी के, जो कि हिंदी संख्या पद्धति के पार्ट है, ना कि इंग्लिश। क्लियर, चलिए अब ये तो हो गया प्रूफ, शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सही टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक से पढ़ा जाता है। देखिए अगर आपने ये पता कर लिया ना कि लिखा किसमें है, तो फिर सब फटाफट से पता पड़ जाएगा। देखिए ये साथियों हिंदी में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में लिख के बताता हूँ, 3 0 9 2 3 5 4 7 8 1 2 3 4। आपको समझ में आया जी? देखिए पहला यूनिट दोनों का सेम होता है, हिंदी और इंग्लिश का, जो कि 3 जीरो से होता है। जी हाँ, यानी उसके पहले जो लिखे हैं हज़ार है, अगर उसके आगे दो दो के बीच में कॉमा है, इसका मतलब हिंदी में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दो दो के गैप में दो दो के अंतर से जीरो चलते हैं, और इंग्लिश में 3-3 के अंतर पर जीरो चलते हैं, इसलिए इंग्लिश में कॉमा भी 3-3 पर लगा होता है। अब कैसे लगा होता है वो खास बात समझो। देखिए छोटे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे मतलब नर्सरी के, LKG के, HKG के, फर्स्ट क्लास तक के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे क्या लिखा है पढ़ के बताओ, आप झट से पढ़ दोगे चल, वो कैसे पढ़ते हैं, च ल चल, प व न पवन,
घर घर, चल 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 पवन घर चल। उसको पढ़ने में बच्चे को इतना टाइम लगता है क्योंकि वो लर्निंग फेज में होता है। आप इसे एक झटके में पढ़ लेते, चल पवन घर चल, चल पवन घर चल। यही फर्क है छोटे बच्चों की बुद्धि का लर्निंग स्टेज का और बड़े बच्चों के लिए। जब आप विद्यार्थी कहला रहे हैं, स्टूडेंट कहला रहे हैं, हाँ वो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। ये हो गए हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, कदम का। वापस समझ लीजिए, पहला कॉमा हजार के लिए आया है, लाख, करोड़, अरब, खरब। मैं इसे पढ़ूंगा 30 खरब, 92 अरब, 35 करोड़, 37 लाख, 81,234। जी हाँ, अब अंग्रेजी की बात करते हैं। पहला थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। फिर समझ लीजिए, पहला कॉमा थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 92 बिलियन, 354 मिलियन, 781,000 एंड 234। साथियों ध्यान रखना, अंग्रेजी में जब लिखते हो ना पूरी इतनी बड़ी संख्या, तो ए एंड डी एंड एक बार ही लगाया जाता है, वो भी इस कॉमा के बाद में कहीं पर। कई लोग इसे गलत बोलते हैं, वापस सुनिए सही तरीका। थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 92 बिलियन, 354 मिलियन, 781,000 एंड 234। क्लियर? कई लोग कैसे बोलते हैं, 3 ट्रिलियन एंड 92 बिलियन एंड 354 मिलियन एंड 781,000 एंड 234। अरे भैया इतनी बार एंड नहीं लगता, पूरे नंबर में एक बार ही एंड आएगा। ये है साथियों सब कुछ हिंदी पद्धति के बारे में और इंग्लिश पद्धति के बारे में। ये सब कुछ हमारे को पता होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया है और बहुत बारीक बारीक बातें बताई है जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। सिखाते ही नहीं है लोग, क्यों नहीं सिखाते? 90% को तो आता नहीं है, आता ही नहीं है, पता ही नहीं है इतना कुछ। 10% जिनको आता है वो सरकारी नौकरी लग चुके होते हैं, वो अपने सरकारी नौकरी से मतलब रखते हैं, वो पढ़ाता ही नहीं है, वो मैथ्स पढ़ाना बंद कर देते हैं, अपनी सरकारी नौकरी करते हैं। मैं क्यों बता पा रहा हूँ, मुझे आता भी है और मैं सरकारी नौकरियाँ सारी की सारी छोड़ चुका हूँ, 20 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ छोड़ चुका हूँ, सारे के सारे एग्ज़ाम पास करें, क्या रेलवे, क्या बैंक, क्या SSC, क्या स्टेट लेवल, सब कुछ, कई एग्ज़ाम ऑल इंडिया टॉप करे हैं, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ बता पा रहा हूँ। साथियों फटाफट से क्विक रिविज़न और उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्विक रिविज़न कैसे करेंगे, हिंदी यूनिट, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब। हजार में 3 जीरो, लाख में 5, करोड़ में 7, अरब में 9 और खरब में 11। इंग्लिश यूनिट सिस्टम, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 3 जीरो, मिलियन, 6 जीरोस, 9 जीरोस, 12 जीरोस, जी हाँ 12 जीरोस, 3, 6, 9, 12। सीक्वेंस ना बिगाड़े, बिलियन को ऊपर, मिलियन को नीचे ना रख दे। ट्रिक क्या बताई थी आपको मैंने, टेम्पल बलेश्वर, नहीं नहीं नहीं, महाबलेश्वर टेम्पल, जिंदगी भर याद रहेगा महाबलेश्वर टेम्पल, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ये साथियों सारी की सारी बात यहाँ खत्म हो गई। हम जानते हैं हम हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, पहली चीज लाख, करोड़, अरब, खरब इंग्लिश के वर्ड नहीं है, सबके सब हिंदी के वर्ड्स हैं, तो इसे ध्यान रखें। अधिकतर लोग, पूरी दुनिया इसको यही मान के चलती है। क्लियर? इसके अलावा, इसके अलावा हमने क्या सीखा कि पहला कॉमा हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, 3 के बाद में आता है। दूसरा कॉमा अगर 3 के बाद आ रहा है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और दूसरा कॉमा 2-2 के बाद आ रहा है तो वो हिंदी में लिखा हुआ है। ये सब कुछ, आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 50 मैंने लिखा, लाख में मैं जानता हूँ 5 जीरो होते हैं, मिलियन में मैं जानता हूँ 6 जीरो होते हैं। अब देखिए 6 जीरो ये, 5 जीरो ये, 11 और 1 12। तो जिस किसी ने लिखा हो 5 × 10 के आगे 5 × 10 की पावर 12, वो सही होगा, या फिर 5 के आगे 12 बार 0 लिख दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर करें दूसरों के साथ, लाइक करें अभी के अभी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, बात आई होमवर्क की, होमवर्क साथियों बेसिक शीट में से एक चैप्टर इसमें आपको मिलेगा, पेज नंबर 12 और 13 पर। जी हाँ 12 और 13 पर। इसके सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं।
इसके साथ ही आपको करने हैं शुरू के 27 क्वेश्चंस। बेसिक शीट में होमवर्क बता रहा हूँ, बेसिक शीट का पीडीएफ मैंने लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 to 27 क्वेश्चन करने हैं, जीरो डिजिट और नंबर्स, इस नाम से एक बेसिक चैप्टर होगा उसके, ये सब आपको कर लेना है, बस इतना ही है, सब कुछ याद रखें। और होमवर्क के अलावा साथियों मैंने आपको बताया, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी हमारे से टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, करंट अफेयर्स चाहते हैं, वैकेंसी अपडेट चाहते हैं, सब के बारे में मैंने नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, पूरी डिटेल दे रखी है। जितना जल्दी से जल्दी हो जुड़ जाएँ, अपने दूसरे साथियों को भी हमारे से जोड़ें, उन्हें बेस्ट मैथमेटिक्स, बेस्ट रीजनिंग, बेस्ट इंग्लिश, बेस्ट जीके, एवरीथिंग बेस्ट मिलेगी। हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी टीम सरकारी नौकरी में सेलेक्टेड है, केवल वही लोग हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। साथियों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। मैं सुमित गोयल आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद और जय भारत।